हवा चल रही है, इतना प्यारा मौसम हो रहा है। आपको एक चीज़ दिखाती हूँ, मेरे सारे कपड़े गिर गए हैं, मैंने अभी उठाने हैं। आ जाए आपको एक चीज़ दिखाएं, छोटा सा किसका है, कौन सी चिड़िया का? मुझे नहीं पकड़ो बेटा, एक और भी है। सही रह जाए भाई। ये हैं काली चिड़िया के बच्चे, ये माँ इनकी हो गई, इनकी माँ भी है। नहीं नहीं, इसे नहीं पकड़ना। ये ले जावेन, ये समझ ना मेरा खाना आया। दिलू हाथ हटाओ, मेरे साथ मेरी नंद का घर है, वहाँ पर उनका कच्चा सा एक छप्पर बना हुआ है जानवरों के लिए। तो उस छत के नीचे ये अंडे या बच्चे देती थी काली चिड़िया। बिल्ली क्या करती थी कि ऊपर से सारी छत उखेड़ के ना इसके अंडे भी ले जाती थी और समटाइम बच्चे भी। तो यहाँ पर अब माशाल्लाह ये काफ़ी बड़े हो गए हैं। फिर वापसी पर मैंने नादिल को कहा कि आप इस चादर में सारे कपड़े डालो, मैं फिर नीचे ले जाऊंगी। छत हमारी साफ़ है तो नीचे कोई इशू नहीं होता। मौसम अप्रैल में बहुत ही प्यारा जा रहा है माशाल्लाह से। आज मुझे जावेद कह रहे थे ऐसा करो कि ना तैयारी करो, चलते हैं, फसल की कटाइयाँ शुरू हैं, गंदम की गाँव की साइड का चक्कर लगाते हैं और थोड़ा सा आउटिंग करके आएँगे, जेहन वगैरह हमारा फ़्रेश हो जाएगा। तो हुआ क्या कि रात मेरा वर्कआउट बहुत ज़्यादा था ऑफिस का, मैं ऐसी सोई कि सुबह सिर्फ नमाज़ पढ़ी, मैं फिर सो गई, बच्चों को स्कूल ही नहीं भेजा। तो फिर उठ के बच्चों को पढ़ाया, उसके बाद ऑफिस। अभी फिर मैं थोड़ी देर के लिए छत पे आई थी, मैंने कहा कि चलो थोड़ा सा मौसम को भी देख लेते हैं, क्योंकि जावेद कह रही थी दरियाए सिंध की तरफ पानी चढ़ा हुआ है और सैलाब आने का भी ख़तरा है, अल्लाह ताला खैर करे। तो बच्चे आज स्कूल नहीं गए, मैंने अब जाना है नीचे और उनको लगानी है मेहंदी, क्योंकि फ्राइडे को बच्चों की है पार्टी, इनके लिए मुझे पार्टी के लिए चना चाट प्रिपेयर करके भेजनी है और इनके सरों पे मेहंदी, एलोवेरा, अंडा, दही, जो कि मैं हर वीक लगाती हूँ। तो मैंने कहा फ्राइडे को पार्टी है, बाल बहुत रफ़ हो रहे हैं तो मैं अभी लगा देती हूँ, क्योंकि आज छुट्टी थी तो उसका फ़ायदा उठा लेते हैं, फिर पता नहीं बारिशों का सीज़न हो तो लगे या ना लगे। तो अब बच्चों को लगाऊंगी मेहंदी, सफाई भी करनी है और अभी खाना भी बनाना है। मैंने अब्दुल्ला गया है ट्यूशन, नादिल को बस मैंने अभी पढ़ा के फ्री की है और जो छुटका है ना मेरा वो उठ के पढ़ेगा। ये स्कूल जाता है, ये थक जाता है, फिर ये आते साथ सो जाता है। मेरी सफाई हो रही होती है तकरीबन शाम के वक्त। सुबह को इतना घर गंदा होता है कि अक्सर जब मुझे कोई विज़िट करता है ना तो मुझे बड़ी शर्मिंदगी होती है। सारी चीज़ें बिखरी हुई होती हैं, बर्तन बिखरे हुए, किचन का हाल बुरा, लेकिन क्या करूं, सुबह मेरे काम ही इतने होते हैं, बच्चों को पढ़ाना होता है, खाने का सबसे पहले मुझे करना होता है कि खाना हो जाए पूरा, तो उसी चक्कर में ना फिर काम बढ़ते चले जाते हैं और मैं घर को मुकम्मल तौर पर सुबह के वक्त साफ़ नहीं कर सकती, जैसे कि हाउस वाइफ जो है ना वो करती हैं, घरों में रहने वाली, मेरा ऑफिस का काम भी होता है, बाकी चीज़ें भी होती हैं। तो घर मेरा तब साफ़ होता है जब किसी के आने की कोई उम्मीद नहीं होती, लेकिन वो फिर सेल्फ सेटिस्फेक्शन होती है कि हाँ जी चलो कर लिया एटलीस्ट हमने साफ ना। और जब तक फिर डीप क्लीनिंग ना हो मज़ा आता ही नहीं है। अच्छा, मुझसे ना बरामदे में लगने वाली इस शीट का बहुत से लोग पूछते हैं कि ये क्या है, तो वॉलपेपर है या क्या है, ये है, इसे क्या कहेंगे, पेनाफ्लेक्स। ये पेनाफ्लेक्स हमने प्रिंट करवाया था और ये लगाया था जावेद ने ख़ुद, जो ग्लू स्टिक होती है ना, वॉल ग्लू, नहीं वॉल ग्लू भी नहीं, वुड ग्लू, हाँ जी, जो लकड़ी जिसके साथ अटैच होती है, ये फर्नीचर वाले जो यूज़ करते हैं ना, ये वो इसके बैक साइड पे यूज़ हुई थी, क्योंकि हमारी दीवारों की कंडीशन बहुत ख़राब थी जब पानी जो है ना एंटर हुआ था हमारे घर में 2 साल पहले 1 साल पहले। तो उसके बाद ना कोई चीज़ सपोर्ट कर ही नहीं रही थी, ना कोई पेंट, ना कोई वाइट वॉश। तो बस इसे लगे हुए 2 साल हो गए हैं और अभी तक ये परफेक्ट जा रही है, कहीं से ये ख़राब नहीं हुई, डैमेज नहीं हुई, उतरी नहीं है। अच्छा, अब्दुल्ला गया हुआ था ट्यूशन, उसकी आजकल टाइमिंग है 4:30 से लेकर 6:30 तक, तो 6:30 हो गए हैं बस, अभी वो आएगा
और उसके बाद उसने अपना टाइम जो है ना वो खेल में डालना है। नादिल पढ़ गई, मोहम्मद अपने बाबा की ज़िम्मेदारी है उसे अब मैं नहीं पढ़ाती, मैंने कहा आप उसे देख लें। मैंने अब चढ़ाना है गोश्त और आलू का सालन जिसमें मटन है और रोटी बनानी है। साथ साथ मैं कह रही हूँ रोटी बना के रख लूँ, सालन आहिस्ता आहिस्ता रेडी होगा तो बच्चों को दे दूँगी। ये देखिए आज बनाए हैं मटर और आलू के चावल। आप में से ना बहुत से लोग ये कहते हैं आपको चावल नहीं बनाने आते या चावल टूटे रहते हैं, तो उसकी रीज़न ये है कि हम टूटा चावल बनाते हैं घर में खाने के लिए। इनका टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त होता है, इतना ज़्यादा जो है ना टेस्ट डेवलप नहीं करते साबित चावल जितना ये डेवलप करते हैं। ये देखें इंतहाई लजीज़ होते हैं खाने में। आप में से मेरी बात को अंडरस्टैंड वही लोग करेंगे जो टूटा चावल खाते हैं, उसकी लज्जत से वाकिफ़ है। तो बात ये नहीं है कि बनाने नहीं आते, मेरी बहुत सी वीडियोज़ हैं जिनमें मैंने पुलाव और बिरयानी की रेसिपी शेयर की हुई है, वो डबल स्टीम चावल हैं और काफ़ी मतलब वो फूल के लंबे भी हो जाते हैं, लेकिन घर के लिए हम ये ही यूज़ करते हैं। ये जनाब मैं डाल रही हूँ अपने लिए चावल क्योंकि मैंने लेकर जाने हैं ऑफिस, बच्चों को मैंने दे दिए हैं और जावेद जो है ना वो यहीं खाएंगे। ये देखें कितने मज़े के बने हैं। इसमें बनाया है साथ मैंने खीरे का रायता, ये देखें। चावलों के साथ ये लवाजमात ना होना तो मुझे तो चावल नहीं पसंद। इसमें हालांकि मैं साथ ऐड करती हूँ साबित खीरे और प्याज का सलाद, वो अभी टाइम नहीं मिला आज बनाने का, तो चलें कोई नहीं। रफाकत का सी ओ एस नया बन गया अभी, तो चलें जी अपने चावल लेकर चलती हूँ। ये चावल खाए थे मैंने अचार के साथ और उस वक्त से मेरा गला काफ़ी ख़राब है, लेकिन इतने मज़े के बने थे कि क्या ही कोई बिरयानी मज़ा देगी, क्या ही कोई चिकन या मटन का पुलाव मज़ा देगा। इनका कोई यूनिक सा टेस्ट था जो कि रायते के साथ, खीरे के साथ, अचार के साथ और आलू और मटर को मिक्स करके जो है ना आ रहा था। मैं इन चावलों को नहीं भूलूँगी, अब मटर का सीज़न जा रहा है और फ्रोज़न मटर का ना वो टेस्ट आता ही नहीं है जो कि फ्रेश मटर का होता है। नॉर्मली मुझे आलू पसंद नहीं है, ना ही मैं शोरबे वाले सालन में खाती हूँ, लेकिन इस तरीके से अगर चावलों में डले हुए हों तो फिर मैं खा लेती हूँ, बहुत अच्छे लगते हैं। 11 होने वाले हैं, मैं अभी आई थी ऑफिस से, बच्चे सुला दिए हैं क्योंकि सुबह भी उनकी छुट्टी हुई थी, नींद हमारी पूरी नहीं हुई, ना मेरी ना जावेद की, हम उठे ही नहीं, बच्चों को करवा दिया था ऑफ। बर्तन धोए और थोड़ी बहुत चीज़ें समेटने वाली हैं, मैं पानी पी के बाहर जाऊँगी अभी वॉक के लिए जावेद के साथ। यहाँ पर भिगो के रखे हुए हैं मैंने चने क्योंकि फ्राइडे को बच्चों की है ईद मिलन पार्टी, तो मैंने चाट बना के भेजनी है। अभी चलते हैं मैं और जावेद वॉक पे, आपको दिखाती हूँ कि मैं वॉक कहाँ करती हूँ। दो तीन दिन से जावेद की तबीयत ख़राब थी, हम नहीं जाते थे, तो आज इनकी तबीयत ठीक थी, मैंने कहा बच्चे भी सो गए हैं, वैसे तो बच्चे इतना तंग करते हैं, मैंने कहा आज आप और मैं चलते हैं। चलें जी, यहाँ पे ना डेली जो भी कूड़ा होता है ना जावेद उसको आग लगा देते हैं ताकि ये जगह साफ रहे। चलो जी, धुआं उड़े। ये जी हम आ गए, हवा चल रही है, ना गर्मी ना सर्दी, इतना मज़े का मौसम है। सब सो गए हैं और हल्की हल्की ढोलों की आवाज़ आ रही है, ईद के बाद शादियों का सीज़न होता है ना, तो टप्पे माइये मेल गाने वो चल रहे हैं जी। हाँ दीवार है, चलें जी। पहले मैं सुबह आती थी, अब टाइम ही नहीं होता, सुबह बच्चों को पढ़ाना होता है और नाश्ता तैयार करना होता है और साथ साथ बच्चों को तैयार करना,
फिर मुझे सोना भी होता है, मेरी नींद नहीं पूरी होती, तो अब ना रात को बहुत मज़ा आता है आते हुए। बस जी, आज का व्लॉग यहीं तक, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।